दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ Amazon की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से आप कौन कौन से स्मार्टफोन को यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि फोन तो यहाँ पर बहुत सारे सभी पे ऑफर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी काम ये कि अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन लेने का मन बना ही लिया तो आपको यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप यहाँ पर लेना पड़ेगी Amazon पे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे ना तो आपको यहाँ पर एक दिन पहले सेल का मौका मिलेगा, यानी सेल आपको 6 तारीख को रात 12 बजे देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप SBI का क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ भी करके रख लेना, और अगर आप इन सभी मोबाइल फोन को अगर खरीदना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका बेस्ट बाय लिंक दे दिया है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सबसे सस्ता 5G फोन बताता हूँ, जो कि लावा का ब्लेज 5G। दोस्तों ये फोन आपको 9,000 रुपए में सेल में देखने को मिलने वाला है, और काफी सस्ता टिकाऊ सा फोन है, जो काफी कमाल की डील आपके लिए होने वाली है। दूसरे नंबर में यहाँ पर iQOO की बात करते हैं, जो कि iQOO Z7 Pro है, जो कि यहाँ पर दोस्तों AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है। कर्व डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, 120Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी काफी अच्छा दिया गया, जहाँ पर आप गेमिंग वगैरह यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते हो। वैसे ये स्मार्टफोन 25,000 के बैच पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको 21,000 रुपए का मिलने वाला है। अगर वन प्लस की बात करें तो वन प्लस का Note C3 यहाँ पर एक काफी कमाल का फोन है दोस्तों, जिसको आप जरूर से देख सकते हो। ये फोन दोस्तों 20,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको 17,500 रुपए का पड़ने वाला है। क्यों यहाँ पर एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, बाकी आपके लिए भी काफी अच्छा सा पैकेज हो सकता है। और दोस्तों Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का सबसे मेन फोन जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला है, जो कि iPhone 13, दोस्तों यहाँ पर आपको बेस्ट डील देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फोन आपको 43,000 रुपए का देखने को मिलने वाला है बिना कार्ड वगैरह के, जो कि आपके लिए बेस्ट डील सकती है। यहाँ पर आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो, काफी कमाल का फोन है। यहाँ पर आपको इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, कैमरा में आपको टॉप लेवल का देखने को मिलने वाला है। सैमसंग के फोन की बात करें तो M34 दोस्तों काफी कमाल की डील हो सकती है। यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और ये फोन दोस्तों 18,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये 15,000 रुपए का पड़ने वाला है, जो कि काफी बढ़िया डील हो सकती है आपके। अगला फोन है OnePlus का 11R, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको 8th Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको तगड़ी वाली परफॉर्मेंस निकाल के देगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, कैमरा में यहाँ पर इसका काफी अच्छा है। वैसे ये 40,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको 35,000 रुपए का पड़ने वाला है। अगला फोन फिर से वन प्लस की तरफ से, जो कि वन प्लस नोट 3। दोस्तों यहाँ पर ये जो फोन है ना, ये 34,000 के प्राइस पर लॉन्च होता है, लेकिन सेल में आपको 29,000 का पड़ने वाला है। इसमें आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है Dimensity 9000, जो कि आपको अच्छी वाली गेमिंग करवा के देने वाला है। कैमरा भी यहाँ पर इसको काफी बढ़िया सा आपको देखने को मिलता है। अगला फोन है Realme Narzo 60 Pro। दोस्तों ये फोन है ना 25,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको 20,000 का देखने को मिलने वाला है। अगला फोन यहाँ पर फिर से वन प्लस नोट C3 Lite है, जो कि 28,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन आपको ये 23,000 रुपए की प्राइस पर पड़ने वाला, जो कि काफी बढ़िया डील आपके लिए हो सकती है। दोस्तों अगर आप एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो और आपका बजट 30,000 का है, तो यहाँ पर आपको एक फोन बता दूं, जो कि iQOO Neo 7 Pro। दोस्तों ये 33,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको 31,000 रुपए का पड़ने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस आपके प्रायोरिटी गेमिंग करना चाहिए तो आपके लिए इसमें गेमिंग वाली बहुत ही मक्खन वाली गेमिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कैमरा थोड़ा इसका एवरेज आएगा, लेकिन उतना बुरा भी नहीं, लेकिन एवरेज वाली परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है कैमरा। फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। अगला फोन वापस यहाँ पर रियलमी का था, जो कि Realme Narzo 60। अगर आपका बजट 20,000 के करीब है ना, तो आप इसके यहाँ पर देख सकते हो कि जो फोन है ना, ये 19,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको 15,200 रुपए का पड़ने वाला है, जो कि आप आग बन करके स्मार्टफोन को ले सकते हो, काफी बढ़िया डील आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। अब आपको एक फ्लैगशिप फोन बता दूं, जो कि यहाँ पर Samsung का S23 है, जो कि यहाँ पर 80,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में आपको ये 62,000 रुपए का पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको Snapdragon 8 Gen 2 देखने को मिलता है, साथ में डिस्प्ले काफी बढ़िया क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कैमरा यहाँ पर आपको टॉप लेवल का देखने को मिलता है। दोस्तों ये थी हमारे स्मार्टफोन की लिस्ट, आपको कौन सा फोन पसंद है कमेंट बताएं, किसकी डील आपको बेहतर लगी, और सभी फोन के अगर आप बाय करना चाहते हो, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप इनको परचेस कर पाओगे। सेल के टाइम पे दोस्तों यहाँ पर SBI का कार्ड यहाँ पर अरेंज कर लेना, और प्राइम मेंबरशिप भी ले लेना, और से कमाल की डिटेल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दो।